प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम पे आपके सामने दैनिक वचन बताने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया है, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आप प्लीज़ हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, इस सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो हमें व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए। आज का दैनिक वचन है नीति वचन चैप्टर 8 वर्स 35 एंड 36 में इस तरह लिखा है, पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता है, परंतु जो मेरा अपराध करता है वह अपने ही पर उपद्रव करता है। जितने मुझसे बैर रखते वे मृत्यु से प्रीति रखते हैं। फॉर दोज हु फाइंड मी फाइंड लाइफ एंड रिसीव फेवर फ्रॉम द लॉर्ड, बट दोज हु फेल टू फाइंड मी हार्म देमसेल्व्स, ऑल हु हेट मी लव डेथ। यहाँ ये बात यीशु मसीह के बारे में लिखा है। आप सब जानते हैं कि संसार में यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता की तरह आए हैं। जो यीशु मसीह को पाएगा वो जीवन को पाएगा, यानी नरक से बचेगा, अनंत जीवन को पाएगा और यहोवा उससे प्रसन्न रहता है। इस संसार में परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को इसीलिए भेजा ताकि कोई भी नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, यही परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर ने हमसे बहुत प्रेम किया है। आप कहेंगे भाई हम तो क्रिश्चियंस हैं, मसीही हैं, लेकिन संसार में अलग अलग देशों में अलग अलग भाषा बोलने वाले अलग अलग जाति के लोग इस संसार में अभी भी है, उन लोगों को कौन सुसमाचार बताएगा? देखिए, हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक जाति, देश विदेश, भाषा बोलने वालों के लिए परमेश्वर ने उनके जाति वालों में से, उनके भाषा वालों में से वचन सुनाने के लिए सेवकों को परमेश्वर ने रखा है। जो व्यक्ति सेवक का बात सुनता है, परमेश्वर की बातों को दिल से स्वीकार करता है, वो जीवन पाएगा, नरक से बचेगा। लेकिन जो व्यक्ति यीशु मसीह की बातों को इनकार करता है, ये बातें मुझे सुनना नहीं है, तो किसी से जाके बोल ले, बाइबिल मुझे मत दे, वचन मैं नहीं पढ़ूंगा, प्रार्थना नहीं करूँगा, इस तरह परमेश्वर से जो द्वेष करता है वो मृत्यु से प्रेम रखता है। सुनने के लिए बहुत भयानक है ना। जो यीशु मसीह से द्वेष करता है, जो यीशु मसीह के बच्चों को सताता है और रुलाता है, प्रभु उनको एक बार नहीं बहुत बार मौका देता है वापस उन लोगों को अपने मार्ग में लाने के लिए। आप सौल को जानते हैं, मसीहों को बहुत सताता था, मारता था, लेकिन प्रभु ने एक बार अपना दर्शन देकर सौल को बदलाया और उसे प्रेरित पौलुस बनाया। आखिरकार वही व्यक्ति जिसने यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को मारने की कोशिश की है, उसी ने अपना जान यीशु मसीह के लिए दे दिया। देखिए, कितना भी कठिन हो व्यक्ति, यीशु मसीह सबसे प्यार करता है। यीशु मसीह सबका प्रभु है। परमेश्वर ने इसीलिए भेजा कि हर एक जाति, हर एक भाषा, जो भी देश में हो आप, परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है। परमेश्वर की इच्छा है कि हम अगर मर जाए, हमारी आत्मा नरक नहीं जाना है, स्वर्ग जाना है। इसीलिए परमेश्वर ने अपना बेटा को इस संसार में भेजा है ताकि यीशु मसीह के नाम पर जो विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कुछ लोग विश्वास नहीं करते, यीशु मसीह से दूर रहते हैं, कहते हैं हमारे रीति रिवाज अलग है, हम अच्छे काम करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, हम इस धर्म को फॉलो नहीं करेंगे, इस मार्ग में नहीं चलेंगे, हमारा खुद का मार्ग है, हम भी भलाई करेंगे, दूसरों को मदद करेंगे, गरीबों को खिलाएंगे, हम जो भी आप करते हैं आपसे ज़्यादा करेंगे, हम भी स्वर्ग जाएंगे, हमारा भी रास्ता है। और कुछ लोग कहते हैं सबका मालिक एक है, जो भी रास्ते में जाओ आप मंजिल पहुंच जाओगे। लेकिन परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से यहाँ बाइबल में लिखा है, मेरे सिवाय और दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है, मैं ही मार्ग, मैं ही जीवन, मैं ही सत्य हूँ। और प्रभु ये भी कहा, तुम्हारे पापों को क्षमा करने का अधिकार सिर्फ मुझे है और किसी को भी नहीं है। मैं यीशु मसीह में विश्वास से आने से पहले मैं अन्य जाति का लड़का था। जब मैं यीशु मसीह का वचन सुना, प्रार्थना करने लगा चर्च में ऑनलाइन प्रेयर, उसके बाद धीरे धीरे प्रभु मुझसे बात करने लगे, रिस्पॉन्स देने लगे। और जब मैं विश्वासी बना, उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया और भी करीब प्रभु के पास आया, प्रभु और भी कई दर्शनों के द्वारा, आवाज के द्वारा और सेवकों के वचन के द्वारा, कितने भी अलग अलग रीति से प्रभु अभी भी बात करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। देखिए, प्रभु हमारे हर एक
मुश्किल को जानता है। जब भी मैं रोता हूँ, प्रभु मुझे सहायता कर, मैं तकलीफ़ में हूँ, मैं समस्या में हूँ, तो प्रभु तुरंत मुझे जवाब देता है, हे मेरे बेटे, मैं तेरे साथ हूँ, तू मत डर, मैं तुझे अपना धर्ममय हाथ के साथ तुझे सहायता करूँगा, तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी सहायता करूँगा, तू मेरा पुत्र है। इस तरह प्रभु मुझे हिम्मत देते हैं और मुझे आगे बढ़ा रहे हैं। मेरी आशा यह है कि सिर्फ इस पृथ्वी पर भी नहीं, स्वर्ग में भी प्रभु के साथ आनंद जीवन में रहना है। इसी आशा के साथ मैं वचन बचा रहा हूँ। ये सेवकाई बड़ाई के लिए नहीं, पैसे के लिए नहीं, लेकिन मेरी आशा है कि ये वचन आप सुन रहे हैं, ये वचन सुनकर आप भी उद्धार पाए। जो रिलेशनशिप मैं प्रभु से मेंटेन करना चाहता हूँ, वही रिलेशनशिप आप भी मेंटेन करें। अनंत जीवन में आप भी प्रभु के साथ रहना है, आपका आत्मा नाश नहीं होना है, बचना है नरक से। और यहाँ लिखा है, जो मेरा अपराध करता है वह अपने ही उपद्रव करता है। जो प्रभु यीशु मसीह पर हाथ दिखाता है, प्रभु से दूर रहता है, अपना ही हानि करता है, और जितने मुझसे बैर रखते हैं वे मृत्यु से प्रीति रखते हैं। देखिए, जो भी परमेश्वर से द्वेष करता है वो मृत्यु से प्रेम करता है। अगर परमेश्वर आपको डांटे, आपको चेतावनी दे, बेटा ये गलत है, ऐसा मत रहे, मेरी बात सुन, तो तुरंत परमेश्वर की बात सुनो। परमेश्वर की आशा है कि हम बच जाए और स्वर्ग जाए। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, शायद आप में से कुछ लोग वचन सुन रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं मिला, इसीलिए निराश है, कुछ नहीं हो रहा है जीवन में। पहले आपका रिलेशनशिप बढ़ाओ परमेश्वर के साथ, अधिक समय प्रार्थना करो, अधिक वचन पढ़ो, चुपचाप वेट करो, परमेश्वर की राह देखो, परमेश्वर अपना काम आपके लिए करेगा ज़रूर। परमेश्वर न्यायी है, किसी को अन्याय नहीं करता। थोड़ा सा वेट करो, फास्ट से डिसीजन मत लो, परमेश्वर ज़रूर आपका जीवन को बदलाएगा और आप ही गवाही देने वाले हैं। हालेलुया। इस समय आंखें बंद करिए, हम सब प्रभु से प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपने एक सुंदर वचन के द्वारा हमसे बात किया है, जो मुझे पाता है वह जीवन पाएगा और यहोवा उससे प्रसन्न रहता है। जो मुझसे अपराध करता है वह उपद्रव करता है और वह मृत्यु से प्रीति रखता है। दयालु परमेश्वर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हम में से कोई भी व्यक्ति मृत्यु से नहीं, तुझसे प्रेम रखने के लिए सहायता कर। तुझे ढूंढ कर, तेरी ज्ञान को पाकर, तेरे मार्ग में चलने के लिए सहायता कर। तूने हमसे बहुत बार बात किया है, हे मेरे पुत्र मेरी बात सुन, लेकिन कई लोग बात नहीं सुनते, खुद की इच्छा बनाते हैं, इसीलिए संकट और मुसीबत हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी लोग प्रभु वेट कर रहे हैं एक आशीर्वाद के लिए, आने वाले दिनों में एक नया आशीष दे पिता, तेरा चमत्कार उनके जीवन में देखने के लिए सहायता कर, बीमारियों से चंगा कर। जितने लोग भी नौकरी के लिए वेट कर रहे हैं और प्रभु प्रमोशन के लिए वेट कर रहे हैं, पीआर के लिए एक भाई वेट कर रहा है, उनको भी याद कर, ये प्रार्थना सुन, आशीष देकर सहायता कर। यीशु मसीहा नाम पे विनती करता हूँ पिता, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करो, प्रार्थना करते ही रहो, छोड़ो मत, हिम्मत मत हारो, वेट करो, ज़रूर परमेश्वर आपको आशीष देने वाले हैं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे, आमेन।